मेरे पास आज ये ग्रैंड नाइटल डीजल गाड़ी है और इसमें कस्टमर का जो कंसर्न है कि गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा लैग ले रहा है। लैग मतलब कि इनिशियल जो पिकअप है वो नहीं मिल रहा है, पिकअप ले रहा है, जब एक्सीलेटर दबा के थोड़ा देर रखते हैं तो इनिशियल थोड़ा ऐसा होने के बाद जाके पिकअप ले रहा है, बट इसको आप वाइब्रेशन भी नहीं कह सकते। जो ये लैग हो रहा है ना, ये पिकअप एक्सीलेटर तो दे रहा है बट गाड़ी पिकअप ले नहीं पा रहा है, जैसे कि मानिए कि कुछ खींच के रखा है ऐसा लग रहा है और उसके बाद वो पिकअप ले रहा है। अब मैंने खुद गाड़ी को रोड टेस्ट किया, रोड टेस्ट करके मैंने एक चीज मतलब नोटिस किया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ गाड़ी में कभी कभी ऐसा होता है कि एसी जैसे आप ऑन करके चलाते और विदाउट एसी में चलाते तो आपको लगता है कि पिकअप लैग है या पिकअप थोड़ा स्लो हो गया, बट इस तरह का कुछ इशू नहीं है इसमें। इसमें ओरिजिनली जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर हर एक गियर में हो रहा है, मतलब किसी एक गियर में नहीं, हर एक गियर में हो रहा है। जब भी आप क्लच दबा के गियर दे के गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनिशियल पिकअप है वो नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने गाड़ी को ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा और इसमें कोई भी डैशबोर्ड में किसी भी तरह का कुछ लाइट नहीं ऑन है। नॉर्मली अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे एक चेक लैंप आता है, वो गाड़ी मैंने ये जो लैंप है ये बंद करने से, मैंने आपको दिखाने के लिए बंद किया, ये जो लैंप है ये नॉर्मली जल जाता है अगर इलेक्ट्रिकल कुछ भी फॉल्ट होता है। बट अभी देखिए इसमें गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सारा जो लैंप है ये सारा ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम का ओबीडी का सारा लाइट जो है कुछ नहीं आ रहा है। बट आफ्टर दैट मैं एक बार गाड़ी को स्कैन जरूर करूंगा और स्कैन करने के बाद आपको क्या मिलता है कुछ दिखाते हैं, और मैं भी अभी तक मैंने सच में इसको चेक नहीं किया। तो अभी मैं स्कैन करने के लिए यहाँ पे एक स्टूल को हुकअप किया, रीड ट्रबल कोड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे नो ट्रबल कोड आ रहा है, फिर से एक बार मैं इसको चेक किया, नो ट्रबल कोड, गाड़ी अभी भी मेरा स्टार्ट है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कुछ भी जो चेक इंजन लैंप है ये ऑन नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये कोड शो नहीं कर रहा है। अब नॉर्मली इस तरह की केस में मजा तो तभी आता है जब डीटीसी ना आए। अब हमें इसको जो लाइव डेटा है ये लाइव डेटा से कुछ देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम कुछ डायग्नोस कर पाते। अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को सिलेक्ट कर लिया जो कि पिकअप से बहुत ही रिलेटेड है, तो इसमें बाकी जो सारा फ्यूल प्रेशर वगैरह है ये मैंने चेक किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली यहाँ पे देखिए अगर आपके पास आता है तो मुझे जैसे कि इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम लगा है, ये जो एयर मास फ्लो पर सिलेंडर है ये देखिए इतना ज़्यादा जो वैरी कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 200 से नीचे तो आना नहीं चाहिए, नॉर्मली आइडल कंडीशन में ये 300 के ऊपर ही रहता है और जब आप एसी ऑन करेंगे तो मतलब 300 के ऊपर रहना चाहिए, बट यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी हो रहा है और इसका एयर फ्लो का जो रेट है ये बहुत कम है। अब एसी ऑन कर देते, अब मैंने गाड़ी का जो एसी है वो एसी को भी ऑन किया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आफ्टर दैट ये जो इसका डेटा दिखा रहा है ये मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। इस कंडीशन में मैं गाड़ी को एक बार बंद करता हूँ, ऑफ कंडीशन में इसकी जो डेटा का वैल्यू है ये करीब 400 के आसपास कुछ रहता है। अब मैं पहले गाड़ी को, ये मैंने गाड़ी को बंद कर दिया। अब इस कंडीशन में देखिए इसकी जो डेटा हैगा 435 ये शो कर रहा है। अब जैसे ही मैंने गाड़ी को इग्निशन फिर ऑन किया, अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, इग्निशन को सिर्फ ऑन किया अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा देर के लिए ये अभी देखिए कितना डाउन हो गया, तो ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए। अब या तो एयर फिल्टर चोक हो सकता है या बाकी दूसरा कुछ, वो आगे देखते हैं। अभी यहाँ से मेरे को एक आइडिया आया कि ये जो डेटा है ये मास एयर फ्लो सेंसर का है, ये गलत दिखा रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे गियर इज ऑन न्यूट्रल पोजीशन ये जो डेटा है ये भी आपको चेक करना है जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये न्यूट्रल स्विच प्रॉपरली काम ना करने की वजह से पिकअप का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि अभी ये ओपन दिखा रहा है, ये गाड़ी मेरा न्यूट्रल पोजिशन में है। अब जैसे मैं इसको गियर किसी भी गियर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये डेटा जो है ये देखिए चेंजेस होगा। अब पहले मैं यहाँ पर जो गियर है इसको फर्स्ट गियर सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर देखिए जो पहले ओपन था गियर इज ऑन न्यूट्रल पोजीशन ही अभी ऑफ है। अब मैं इसको फिर वापस न्यूट्रल करता हूँ, देखिए ये ओपन हो गया। कोई भी गियर डालेंगे तो ये ऑफ होगा और फिर ओपन होगा, तो ये मेरा स्विच जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। पिकअप का अगर इशू रहता है तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के मतलब देख लेना है। अब आगे मैं मास एयर फ्लो सेंसर की क्या कंडीशन है वो जाके देखता हूँ। तो ये गाड़ी की मास एयर फ्लो सेंसर की लोकेशन है जो कि एयर फिल्टर हाउसिंग है और हाउसिंग के सामने ये पोजीशन में लगा हुआ है। पहले तो आपको ये जो वायरिंग है ये वायरिंग को एक बार देखना है कि कहीं पर कुछ कट वट कुछ है या नहीं।
वैसे इसमें अभी तक तो मुझे कुछ कट मिला नहीं है, तो ये जो कवर है ना, ये कवर को भी हटा के थोड़ा देर, वायर यहाँ पे तो सारा बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब मैं ये जो सेंसर है इस हाउसिंग को खोल के आपको फिर दिखाता हूँ। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर लगभग सही है, अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, तो फिल्टर चोक होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो मास एयर फ्लो सेंसर है, फाइनली इसको मैंने खोला, और इसके अंदर वैसे तो उतना ज़्यादा खास आपको शायद कैमरे में नज़र में नहीं आ रहा है, तो ये जो गंदा हुआ है ऐसा कुछ भी मुझे लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इस कंडीशन में ये तो इसकी जो वायरिंग है, ये वायरिंग का एक बार पंच हो सकता है, या ये सेंसर की इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो मुझे ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग अभी चेक करना है। ये जो मास सेंसर का वायर या कपलर है, इसमें ये 5 पिन का वायर है, एक पावर है, ग्राउंड है, बाकी जो तीनों है ये सिग्नल लाइन है, स्पेशली 2 मास एयर फ्लो सेंसर का सिग्नल और एक है IAT का सिग्नल। अब पहले हमें जो चेक करना है इसकी जो पावर लाइन है, पावर इसमें आ रहा कि नहीं, तो इसके लिए मैंने बैटरी का कनेक्शन ऑलरेडी लगा के रखा। ये पावर कनेक्शन यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने इसको कनेक्ट किया, तो देखिए ये जो कनेक्शन है यहाँ पे कुछ वोल्टेज मेरा शो नहीं कर रहा, XYZ कुछ भी अगर वोल्टेज इसमें शो करता है, इग्निशन ऑन कंडीशन में यहाँ पे मेरा बैटरी वोल्टेज शो करना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है। अब दूसरा जो है ये ग्राउंड की लाइन है, अभी ग्राउंड में जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव, और यहाँ पे ग्राउंड में मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे 12 वोल्टेज शो कर रहा है, दैट मीन्स ग्राउंड लाइन मेरा ठीक है, बट ये जो पावर का लाइन है, ये पावर का लाइन में कुछ भी यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, और एक बार फिर मैं चेक कर रहा हूँ, आ रहा तो कवर हो रहा था दोनों, तो अभी मुझे जितना डाउट है, बाकी ये सिग्नल लाइन जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंसर ये काम करेगा, तो इसमें जो पावर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये पावर लाइन को चेक करना। कि या ये जो वायर है ये कट होके थोड़ा नजदीक से लेके ये दिखाना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने तो सिग्नल लाइन सही से चेक किया भी नहीं, ये देखिए यहाँ से ठीक दोनों जो वायर है ये कट हुआ है, और तब जाके गाड़ी में मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब नॉर्मली ये जो वायर है ये वायर को कनेक्ट करेंगे एंड आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी हो जाएगा, सेंसर वेंसर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। काका भी हाथ दे दिया, तो फाइनली काम पूरा कंप्लीट है, जैसा मैंने खोला था ये सारा सब कुछ वैसा ही एकदम लगा के कंप्लीट कर दिया। दोस्तों फाइनली मैंने गाड़ी को रोड टेस्ट भी कर लिया, और अभी गाड़ी का जो प्रॉब्लम पहले मैं फेस कर रहा था
वो अब कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे कि आपने देखा वीडियो में। बस एक चीज का छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए अगर वीडियो समझ में आए तो बहुत ही अच्छा है, अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस का वीडियो था जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में कोशिश किया आपको समझाने का, और अगर समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक ही आएगा, और अगर समझ में आएगा तो आई विश कि आपको ये अच्छा लगे और आप लाइक दे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।